गाजियाबाद नगर निगम में तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर लगातार नजर आ रहा है। ऐसे में डीसीपी निपुण अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जानेंगे कि सर कितनी सुरक्षा व्यवस्था है और कितनी फोर्स जो है लगाई गई। देखिए, सिटी जोन गाजियाबाद में तीन जगह नामांकन स्थल हैं, लगभग 500 से ज़्यादा की फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। हर जगह हमने ट्रिपल कॉर्डन सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करा, इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन कोर। इसके साथ ही हर नामांकन स्थल पे दो राजपत्रित अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। LIU की विस्तृत ड्यूटीज़ लगाई गई हैं सादे में, HHMD DFMD का डिप्लॉयमेंट करा गया है। फायर के टेंडर सब जगह डिप्लॉय करे गए हैं, रूफटॉप ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और QRT के रूप में हमने कुछ एमरजेंसी कंटिजेंसी फोर्स रखा है। सर बात करें तो कितनी फोर्स जो है यहाँ पर लगी होगी और आपके सिटी जोन में लगभग 500 से ज़्यादा की फोर्स लगाई गई है और ये एक शिफ्ट में काम करेंगे। सुबह 8:30 बजे से समाप्ति तक इनकी ड्यूटी रहेगी। 10 दिन तक इनका पूरा डिप्लॉयमेंट चार्ट ड्यूटी चार्ट इनको करके इनको ब्रीफिंग करी गई है। सर नामांकन का पहला दिन है, जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन के लिए आ रहे हैं अभी? हाँ, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। वहाँ पर जहाँ नगर निगम के पार्षदों का होना है वहाँ पर सूचना मिली है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं और बाकी जैसे भी आएंगे हम लोग यहाँ पर ड्यूटी पर बिल्कुल कार्यरत है। तो ये थे श्री निपुण अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना है जो नामांकन के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पूरा जायजा जो है निपुण अग्रवाल ने लिया है। मजिंदर दटवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम।